गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो वेलकम टू माय चैनल। फिर से एक बार मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ और गार्डन बताता हूँ। एक्चुअली आज का हमारा टॉपिक है शेड नेट, जो हम बना रहे हैं हमारे टेरेस पे। आप देख सकते हो मैंने रॉड लार्ज जो पोल्स लाया है वो पड़े हैं यहाँ पर, जिसका साइज़ मैं बताता हूँ। ये है 1 इंच के स्क्वायर रॉड्स और बाजू में है 2 इंच के रॉड। तो हम यहाँ बनाएंगे जहाँ पर हमारे शेड नेट का मेजरमेंट चल रहा है और काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो हम ये इसकी कटिंग कर चुके हैं, जिस 2 इंच का जो पोल है उसकी कटिंग करके हम वेल्डिंग मार के जिसे नीचे सपोर्ट के लिए बना रहे हैं फिलहाल, आप देख सकते हो। तो जिसको भी आइडिया नहीं होगा कि कैसा लगाना है शेड अपने टेरेस पे, तो आप देख सकते हो, इससे आपको कुछ हेल्प हो सकेगा आइडिया के लिए। तो ये मैं लगाऊंगा अपने वॉल पे, वॉल साइड, चारों साइड जो वॉल होगा उसके लिए हमने यहाँ पर बना रहे हैं उसको थोड़ा सपोर्ट के, जिसमें हम एक पट्टी लगा के उसको बिल्डिंग करके रेडी कर रहे हैं। तो काम चल रहा है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया है। देखिए सपोर्ट की, देखिए सपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको। अभी फिलहाल दो सपोर्ट लगाकर हमने इसको रेडी कर चुका है, अगर कुछ हुआ तो हम इसको निकाल देंगे। सो ये है इसका सपोर्ट। इसी तरह हम लगाएंगे इसको 6 पोल्स लगेंगे। देखिए इस तरह लास्ट में वो एक पोल लग रहा है, तो आप देख सकते हो इस तरह से उसको वेल्डिंग मार के हम इसको एक बॉम्बे किला, जिसे मुंबई किला भी कहते हैं, उसे मार देंगे, जिससे वो मजबूत बन जाएगा। तो इसी तरह वो मेजरमेंट लेकर हम देखिए, आप हमने एक मशीन भी लगाई है जिससे मेजरमेंट ले रहे हैं कि ये सीधा खड़ा हो ना, टेढ़ा ना हो जाए। तो ये देख कर उसी तरह मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा जो पोल है जो स्ट्रेट खड़ा हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो ये थोड़ा टाइम टेकन है, बट हाँ हम उसे देखना चाहिए। और इसी तरह आप देख सकते हो ये मशीन लेकर आए जिससे वो वेल्डिंग कर रहे हैं। तो ये सब बहुत इजी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जो हमने प्लांट हटा दिया था, अब ये प्लांट हम जब बंद से वो शेड हो जाएगा तो हम उसको लगा देंगे। तो फिलहाल यही चल रहा है यहाँ पे, और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ख़त्म हो टास्क और मेरा शेड रेडी हो जाए और मैं उसमें बैठ के मौसम का मज़ा लूँ और झाड़ू भी लगा दूँ। तो इसमें हम थोड़ा तो टाइम होगा, स्टार्ट काम तो हो चुका है, जो अभी ऑलमोस्ट ये एक 2 आवर्स हो चुके हैं इसको काम स्टार्ट होकर, और 2 आवर्स में इतना ही काम हुआ है। उसी बीच में आपको छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, मेरे टेरेस पे छोटा सा मेहमान आने वाला है। तो वहाँ पे एक देख सकते हो छोटा सा एक दिया है एक छोटे से चिड़िया ने, अब उसका नाम मुझे नहीं मालूम, वो कुछ किस टाइप की चिड़िया है, बट हाँ बहुत छोटा सा एग है और उन्होंने बहुत छोटे से प्लांट पे उसको लगाया। तो उसके सपोर्ट के लिए मैंने उसके आजू बाजू अभी उसको कोई टच नहीं करना है, इसलिए सामान रख दिया हूँ और बच्चे ना टच करें और वेट करेंगे। तो देखिए शेड ऑलमोस्ट बन चुका है, हमने पोल खड़े कर दिए और ऊपर का काम चल रहा है। तो देखिए ऊपर जाकर जब उसको वेल्डिंग करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको पहले ही ऊपर के लिए एक शेड का बना ले रहे हैं और बने बाद हम ऐसा उसको लगा देंगे। और आप देख सकते हो बीच में मैंने एक फाइबर शीट भी डाल दिया है जो काम आएगी कि हम धूप में भी नीचे बैठ सके और हम कुछ इंडोर प्लांट जो शेडेड प्लांट होगा उसको लगाएंगे, उसका यूज़ करेंगे। इस तरह ये देखिए चार हम बाहर से उठाकर इस पर ला लिए हैं। तो ये हमारा एक पार्ट है, एक्चुअली मेरा प्लान 2 पार्ट का है, एक में रहेगा शेड और एक रहेगा ओपन। तो ये जो है शेड वाला एरिया है आप जो देख सक रहे हैं। तो इस तरह से ये बन चुका है, रेडी हो चुका है, और ये भी एक रेडी हो रहा है जिसको ये ओपन रहेगा, उसको मैंने काफ़ी सारे हुक लगा दिए, वो लगाए बाद तो यहाँ पे आएगा वो इस तरह, तब जाकर हमारा। तो हमें अभी दूसरा अभी ला रहे हैं और ये हमने दूसरा लगा दिया। अब आपको उस क्लियर आइडिया आ चुका होगा कि हमने 2 क्यों बताया है, एक में है जो शेडेड प्लांट हो गए वो होगा और उसमें सीटिंग बनाएंगे जिसमें हम बैठ सके, चाय का मज़ा ले सके, चाय पानी, और वो एक पे रहेगा क्रीपर्स जो ऊपर जाएंगे और फल देंगे, जैसा लव की वो सब हम लगाएंगे क्रीपर जो ऊपर की ओर जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है, काम एंडिंग पे चल रहा है। ये ओवरऑल आइडिया है, शायद मैं अच्छा लग रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, आप ही सजेस्ट कीजिए कि ये ठीक लग रहा है। और अगर किसी को डाउट है या किसी को चाहिए पता करना है कि ये किस तरह से बनाया जाता है, अगर हैदराबाद में हो तो आपको नंबर चाहिए तो वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा ओवरऑल लुक है, तो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। मजबूत भी है और बिल्डिंग का काम अच्छी
हम हर कोने में वेल्डिंग मार रहे हैं अभी ऊपर रखे बाद, जिससे कि उसकी मजबूती आए, क्योंकि जब ऊपर रहेगा तो आपको उस हवा से या कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस है, बट अगर हम उसको अच्छी तरह से मारेंगे तो नहीं आएगा। तो ये ओवरऑल लुक है, मैं दिखा रहा हूँ मेरा छोटा सा घर, जो मैं बाहर से एक वीडियो दिखा रहा हूँ कि मेरा शेड बने बाद किस तरह से दिख रहा है, आप देख सकते हो। छोटा सा है घर मेरा, जिसमें हमने पूरा बगीचा लगा दिया है। तो ये है शेड और मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है बाहर साइड से। आप बोलिए कैसा लग रहा है आपके कमेंट की, मैं वेट करूँगा। इसमें हम बाजू में ग्रीन नेट बांधेंगे, जिससे कि वो थोड़ा और लुक हो जाए। तो ये है ओवरऑल शेड के बारे में। और मैंने आज पूरा ट्रांसफ़र कर दिया है पूरे प्लांट्स, और इस तरह से उसका सीटिंग हो चुका है। ओवरऑल लास्ट में दिखाता हूँ मैं। तो ये हमने एक्स्ट्रा जो पहले दो लगाए थे उसको हम बढ़ा कर चार कर दिए। एक यहाँ पे आएगा, एक ऊपर आएगा, उसके ऊपर एक और आएगा, और हमने सपोर्ट के लिए वॉल के साइड एक दे दिया है। तो इस तरह से चार लगा देंगे सपोर्टर्स। और मैंने थोड़ा सा पेंट मार दिया है रेड कलर का, जिससे कि थोड़ा लुक आए। तो देखिए, तो इस तरह से इस पे भी चार आया, और इसी तरह से हम पूरे पोल पर चार सपोर्टर्स लगाएंगे, जिससे कि हमारा शेडेड परमानेंट हो जाए। उसके बाद हम उसको थोड़ा कॉन्क्रीट से बनाएंगे, वो टाइम है। और मैंने उसे क्रीपर के लिए रस्सियाँ बांध दिया, नारियल की रस्सी बांध कर उस पर क्रीपर चढ़ा लगा दिया हूँ, जिलाओ की सब। उसकी मैं पूरा डिटेल वीडियो आपको दूंगा कुछ ही देर में। तो ये है ओवरऑल, होप ये अच्छा लग रहा है और नीट लग रहा है। ये है आमबाड़ी जो मैंने हार्वेस्ट की थी। तो चलो एक बार आगे से आपको उसका लुक दिखा देता हूँ और वीडियो ख़त्म करता हूँ। काफ़ी लंबा हो चुका है, आप बोर हो चुके होंगे, सबके पास टाइम नहीं है। और ये बाकी पेड़ों के बारे में आपको तो पता होगा, या तो फिर मेरे वीडियो देखिए या तो मैं वीडियो बनाऊँ। ये है छोटा सा, मैं डेकोर किया है एंट्री के पास, बस मतलब दिखना चाहिए अच्छा। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, सो आपको अगले वीडियो मिलते रहे। और ये है मेरा ओवरऑल लुक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।